तीसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट रहा तनुकरण, दूसरा पॉइंट था अम्ल मिलाना या लवण मिलाना, तीसरा पॉइंट है खमीर मिलाना। अब होता क्या है कि सीरियल को लकड़ी के पात्र में लेकर इसमें कुछ मात्रा में खमीर मिलाते हैं और इस विलयन को कुछ दिनों तक 298 में से 303 केल्विन ताप पर रख दिया जाता है। ऐसा करने पर खमीर में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम सरगरा को ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। हमने कहा इस विलयन को लकड़ी के पात्र में लेकर इसमें कुछ मात्रा में खमीर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? खमीर। और इस विलयन को कुछ दिनों तक और इसे कुछ दिनों तक 298 से 303 केल्विन ताप पर रख दिया जाता है। ऐसा करने पर खमीर में उपस्थित इन्वर्टिस एंजाइम सरगरा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देते हैं। रिएक्शन देखिए, C12H5O11 इन्वर्टेड एंजाइम जो होता है इसको C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, इसमें क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना? प्लस H2 C6H12O6 में इसको परिवर्तित कर देता है। खमीर में उपस्थित पिघलने एंजाइम ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एथेनॉल बदल देता है, इसके फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। इस प्रकार पिघलन से 10 से 15% तक एथेनॉल प्राप्त होता है, यह विलयन वॉश कहलाता है। पहले सुधारिए। नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट खराब होने चाहिए। नीचे पॉइंट लिखे खमीर में उपस्थित अन्य एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। जिसके फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है।
प्रकार किण्वन से तस्य 15% तक CO2 गैस निकलती है। गैस निकलती है जिससे 10 से 15% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। यह विलयन वॉश कहलाता है। वॉश कहलाता है। यह विलयन क्या कहलाता है? वॉश कहलाता है। रिएक्शन देखिए C6H12O6 बनता है। और कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। इसको डाल लीजिए आप ये दो, इसको बैलेंस कर लो, 2 × 4 और 1 × 5 = 10 इसका दोबारा
प्रभाजी आश्रम किया जाता है। इसका द्वारा प्रभाजी आश्रम किया जाता है जिसके फलस्वरूप 351.2 केल्विन दाब पर एथेनॉल की प्रसुप्तता 99.5% होती है, जिसे परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। वॉश का आश्रम एक विशेष प्रकार के उपकरण एक उपकरण है जिसका नाम है कॉफी भोक्का। कॉफी भोक्का में किया जाता है, इससे 90% एथेनॉल प्राप्त हो जाती है। दोबारा इसका प्रभाजी आश्रम किया जाता है, इसके फलस्वरूप 351.2 केल्विन ताप पर एथेनॉल की जो प्रसुप्तता होती है वो 95.5% हो जाती है, इसे परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार अपने को एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, सीरे से एथेनॉल बनाने के हमने चार स्टेप पढ़े हैं। पहला पढ़ा थनुकरण, दूसरा पढ़ा लवण मिलाना है, अम्ल मिलाना, तीसरा पढ़ा था अमीर मिलाना, और चौथा पढ़ा है वॉश का। दोबारा से मैं एक बार बोल रहा हूँ, पहले आप इसको उतारो, उसके बाद मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। इसको उतारो जल्दी से, इसके बाद मैं इसका रिवाइज कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, और फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ। सीरे से एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है, ये लिख रहा है कि सीरे से एथेनॉल का निर्माण। सीरे से एथेनॉल कैसे बनता है सुन लीजिए दोबारा से। सीरा क्या होता है, यानी कि जो गन्ना होता है या चुकंदर होता है, चुकंदर के रस से शर्करा के क्रिस्टल को पृथक किया जाता है। उस शर्करा के क्रिस्टल को पृथक करने के पश्चात गाढ़े भूरे रंग का एक द्रव पदार्थ से सोचता है, जिसे अपन कहते हैं सीरा। क्या कहते हैं? सीरा। इसे मोलेसस भी कहा जाता है। सीरा जो होता है वह ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है या फिर शर्करा है आदि का मिश्रण होता है। अब सीरे से एथेनॉल कैसे बनता है? सीरे से एथेनॉल निर्माण के पहला स्टेप बताया था मैंने, तनुकरण। सीरे से एथेनॉल निर्माण के आप पहला स्टेप है तनुकरण। सबसे पहले जो सीरा है उसमें जल मिलाते हैं, यानी उसमें जल मिलाकर उसको तनु कर लिया जाता है, इसे कहते हैं तनुकरण। यानी एक आयतन सीरे में हम 5 आयतन जल के मिलाते हैं जिससे पतला हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप था अम्ल मिलाना, या फिर इसमें क्या मिलाना, लवण मिलाना। क्या मिलाना? अम्ल मिलाना है, लवण मिलाना। और सीरे के तनु जले विलयन में हम H2SO4 मिलाते हैं, तनु H2SO4 मिलाते हैं, जिससे विलयन का पीएच 4 से 5 के बीच रहे और उसमें कोई जीवाणु उत्पन्न ना हो। और उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में लवण मिलाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है या फिर अमोनियम फॉस्फेट आदि को मिला दिया जाता है। जब अमोनियम और सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट आदि को मिलाते हैं, जो कि एक खमीर के लिए यानी यीस्ट के लिए भोजन का कार्य करते हैं। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था खमीर बनाना। अब तीसरे स्टेप में हम खमीर बनाते हैं, खमीर यानी कि यीस्ट। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इस विलयन को लकड़ी के पात्र में लिया जाता है, लकड़ी के पात्र में लेकर इसमें खमीर मिलाते हैं और विलयन को
कुछ दिनों तक 298 से 303 केल्विन ताप पर रख दिया जाता है। ऐसा करने पर खमीर में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है इन्वर्टेस एंजाइम। खमीर में एक एंजाइम होता है इन्वर्टेस एंजाइम जो कि सरगरा को C12H2O11 को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, अब खमीर में एक अन्य एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को एथेनॉल में चेंज कर देता है, जिसके फलस्वरूप अपने को लगभग 10 से 15% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है और उसमें CO2 गैस भी निकलती है। उसके बाद हमने किया था वॉश का आश्रण। वॉश का आश्रण एक विशेष प्रकार के उपकरण जिसके अंदर कॉफी वेपकम किया जाता है, इससे 90% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाती है। दोबारा इसका प्रभावी आश्रण करते हैं तो 351.2 केल्विन ताप पर एथेनॉल की जो प्रतिशतता प्राप्त होती है वो 95.5% होती है, यानी 95.5% तक एथेनॉल की प्रतिशतता 95.5 तक होती है, जिसे हम परिशोधित स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट। ये हो गया एथेनॉल से सीरे से एथेनॉल का निर्माण। पहला स्टेप तनुकरण, दूसरा स्टेप कॉमन बनाना, एलोड बनाना, तीसरा स्टेप का खमीर बनाना और चौथा स्टेप का वॉश का आश्रण। अब उसके बाद है स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण कैसे किया जाता है? स्टार्च होता क्या है? स्टार्च किस किस में पाया जाता है? जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, चावल है, आलू है, आदि में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं? इसमें पहला स्टेप है सहकरीकरण। सुनिए पहले, सहकरीकरण में क्या होता है? इस विधि में स्टार्च जो होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है, यानी स्टार्च युक्त पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें उच्च ताप और ताप पर गर्म करते हैं, जिसके कारण स्टार्च जल के साथ क्रिया करके एक दूधिया लेही जैसा पदार्थ बना लेता है। जिसे मैस कहते हैं। दोबारा सुनिए, स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे गेहूं है, चावल है मक्का है या फिर जौ है आदि में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च से हम एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं? पहला पॉइंट है सहकरीकरण। सहकरीकरण में क्या होता है? स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करने का पहला पॉइंट है सहकरीकरण। इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में चेंज करते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N और उसे चेंज करते हैं माल्टोज में, जिसका फॉर्मूला होता है C12H2O11। अब स्टार्च युक्त पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें उच्च ताप और ताप पर गर्म करते हैं। जब उन्हें उच्च ताप और ताप पर गर्म करते हैं उसमें जल मिलाते हैं तो स्टार्च जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके एक दूध या लेही जैसा पदार्थ बना देता है, जिसे मैस कहते हैं। अब जौ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है डायस्टेस। जौ को भिगोकर इसे 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में फैला दिया जाता है, जिससे जौ जो होता है 2 से 3 दिनों में अंकुरित हो जाता है, इसे माल्ट कहते हैं। अंकुरित जौ को पानी के साथ मिलाकर पीसते हैं और छान लेते हैं, यह छनित्र माल्ट निष्कर्ष या माल्ट साथ कहलाता है। मैस या माल्ट निष्कर्ष दोनों को मिलाकर उसे 323 से 333 केल्विन तापमान पर उसका तापमान जो होता है 323 से 333 केल्विन कर दिया जाता है। ऐसा करने पर माल्ट निष्कर्ष में उपस्थित डायस्टेस एंजाइम मैस में उपस्थित स्टार्च को जल अपने करके माल्टोज में चेंज कर देते हैं और माल्टोज का यह विलयन वर्ल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ल्ड। ये पहला पॉइंट होता है सहकरीकरण। दोबारा सुनिए, सहकरीकरण में जो स्टार्च होता है उसे माल्टोज में चेंज किया जाता है, यानी स्टार्च पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें उच्च ताप और ताप पर गर्म करते हैं, उसमें अपन जल मिलाते हैं, जिसके फलस्वरूप अपने को पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम मैस होता है। अब जौ में एक एंजाइम होता है डायस्टेस एंजाइम। जौ को भिगोकर 288 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे में फैला दिया जाता है, जिससे जौ 2 से 3 दिनों में अंकुरित हो जाता है। अंकुरित जौ को पानी के साथ मिलाकर पीसते हैं, यह छनित्र जो होता है माल्ट निष्कर्ष या माल्ट साथ कहलाता है। ठीक है, मैस या माल्ट निष्कर्ष दोनों को मिलाकर इसका तापमान जो होता है 323 से 333 केल्विन कर दिया जाता है। ऐसा करने पर माल्ट निष्कर्ष में उपस्थित डायस्टेस एंजाइम मैस में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटित करके माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज का एवरेज वर्ड कहलाता है। अब ग्लूकोज
माइटोस को ऊपर में जैसे कहता है, माइटोस का जलीय विलयन में खमीर मिलाकर उसे 303 केल्विन ताप पर रख दिया जाता है। ऐसा करने पर खमीर जो होता है, खमीर में माइटोस एंजाइम होता है, वो माइटोस को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। यानी माइटोस को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए तापमान जो होता है वो 303 केल्विन होता है, और खमीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माइटोस एंजाइम। माइटोस एंजाइम माइटोस को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। उसके बाद ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज किया जाता है। यानी जाइमेस एंजाइम जो होता है वह ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज कर देता है, और इस प्रक्रिया द्वारा 10-15% तक एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, जिसे वॉश कहते हैं। वॉश का आसवन कॉफी वर्क का उपकरण किया जाता है, जिसके फसलों 95.5% शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, इसके फसलों 95.5% एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, वॉश का तो आसवन किया जाता है। इससे पहले अपने को क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल, यानी कि जाइमेस एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज कर देता है, और 10-15% एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अब उसका आसवन किया जाता है कॉफी वर्क नामक उपकरण में। ठीक है ना, जो एथेनॉल प्राप्त होता है उसे वॉश कहते हैं। इसका आसवन कॉफी वर्क का उपकरण में किया जाता है, जिसके फसलों 95.5% एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एथेनॉल जो होता है रंगीन होता है, ज्वलनशील द्रव होता है, इसमें रुचिकर गंध पाई जाती है, इसका क्वथनांक 351.2 केल्विन होता है, और यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील। तो देखिए स्टार्च युक्त पदार्थों से, स्टार्च युक्त पदार्थ से स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण, सबसे पहला पॉइंट होता है सैकरीकरण। सैकरीकरण में बताया था मैंने भी आपको, सैकरीकरण में जो स्टार्च होता है उसको माइटोस में चेंज किया जाता है। उसके बाद है माइटोस को ग्लूकोज में चेंज करना, माइटोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, माइटोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। अब इसमें क्या होता है, माइटोस को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि एक एंजाइम होता है खमीर में माइटेस एंजाइम, जो कि माइटोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज किया जाता है। माइटोस को ग्लूकोज में चेंज कर दिया, और उसके बाद ग्लूकोज को उसमें चेंज करते हैं एथेनॉल में। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करना। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है आपका आसवन। क्या है, आसवन, चौथा जो पॉइंट है वह है आसवन। पहला पॉइंट है सैकरीकरण, दूसरा पॉइंट है माइटोस को ग्लूकोज में चेंज करना, तो तीसरा पॉइंट है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करना। ठीक है ना, जाइमेस एंजाइम के द्वारा, उसके बाद आसवन, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद परिशुद्ध अल्कोहल, परिशोधित अल्कोहल, पावर अल्कोहल, विकृतिकृत अल्कोहल, इसकी परिभाषाएं हैं, उसके बाद इसके उपयोग हैं, और उसके बाद एक टॉपिक पर आएगा एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन के उपयोग। ठीक है ना, तो पहला है इसमें इसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है, 100% जो शुद्ध एथेनॉल होता है उसे परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। परिशोधित अल्कोहल 95.5% एथेनॉल और 4.5% जल का जो मिश्रण होता है उसे परिशोधित अल्कोहल कहते हैं, जो कि 351.2 केल्विन ताप पर आश्रित होता है। पावर अल्कोहल पेट्रोल और बेंजीन और ईथर का जो मिश्रण होता है वो पावर अल्कोहल कहलाता है, जिसका उपयोग शक्ति उत्पादन किया जाता है। विकृतिकृत अल्कोहल परिशोधित अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए इसमें मेथेनॉल है, पिरिडीन है, रंजक आदि मिलाते जाते हैं, जिससे विकृतिकृत अल्कोहल कहते हैं, जिसे विकृतिकृत अल्कोहल कहते हैं। उपयोग क्या है इसके, यूजेज देखिए,
परिशोधित अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए इसमें मेथेनॉल, पिरिडीन, रंजक आदि मिला दिए जाते हैं, जिसे विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। पेंट वार्निश आदि के विलायक के रूप में दूसरा इसका उपयोग है। पहला है पेंट वार्निश आदि के विलायक के रूप में, दूसरा कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरल, एस्टर, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि का निर्माण। पहला है पेंट वार्निश आदि के विलायक के रूप में, दूसरा है कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरल, एस्टर, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि का निर्माण। तीसरा है औषधीय जैसे टिंचर आदि के निर्माण में। चौथा है मादक पेय के रूप में। तीसरा है औषधीय जैसे टिंचर आदि के निर्माण में। चौथा है मादक पेय के रूप में। पाँचवा है मादक पेय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा है पारदर्शी साबुन, रंग, पॉलिश, इत्र के निर्माण में। नेक्स्ट पॉइंट है एथिलीन ग्लाइकोल के उपयोग। टेरिलीन या डेक्रोन के निर्माण में, पैरक्षक के रूप में, स्नेह के रूप में। नेक्स्ट है ग्लिसरीन के उपयोग। प्लास्टिक तथा कृत्रिम रेशे बनाने में, शेविंग साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, लिपस्टिक आदि सौंदर्य प्रसाधन के सामान बनाने में, स्नेह के रूप में, कार्ड एडिटर में, प्रोटीन के रूप में। ठीक है ना, ये इसके उपयोग। इसके बाद है फिनोल। देखिए हाँ, सी रेतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे फिनोल।